जेके न्यूज टुडे में आज आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर और बहुत ही अच्छी खबर, खासकर कि क्रिकेट फैंस के लिए, इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, वो ये कि उमरान मलिक, जी हां, अपने जम्मू कश्मीर का बेटा, अपने जम्मू कश्मीर का लड़का उमरान मलिक इंडियन स्क्वाड में सिलेक्ट हो चुका है। ये चर्चा काफ़ी देर से चल रही थी कि क्या उमरान मलिक को इंडियन टीम में खेलने का मौका मिलेगा और कब मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि आज ही BCCI ने इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज़ के लिए, T20 सीरीज़ के लिए, जो कि 9 जून से शुरू होने जा रही है, उसके लिए उमरान मलिक का नाम शामिल किया है उस स्क्वाड में। और हम आपको बता दें कि ये सीरीज़ जो है 9 जून से शुरू होगी, T20 सीरीज़ ये रहेगी, और इसके कैप्टन रहेंगे KL राहुल और वाइस कैप्टन रहेंगे ऋषभ पंत। मैं आपको पूरी स्क्वाड एक बार ही बता देता हूँ। KL राहुल रहेंगे कैप्टन, साथ ही ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, दीपक हुडा, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या वापस आ चुके हैं, और वेंकटेश अय्यर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, जी हाँ, कुलचा जोड़ी आपको एक बार फिर देखने को मिलेगी, और अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, आवेश खान, अर्षदीप सिंह और उमरान मलिक। जी हाँ, उमरान मलिक, जो कि हम काफ़ी देर से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपने जम्मू कश्मीर का लड़का इंडियन टीम में कब खेलेगा, तो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म। 9 जून से होने वाली T20 सीरीज़ इंडिया साउथ अफ्रीका की, उमरान मलिक उसका हिस्सा होंगे, और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि वो सारे मैचेस खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, या प्लेइंग 11 में उनको जगह मिलती है या नहीं मिलती है। उमरान मलिक, हम बता दें, अपने जम्मू कश्मीर का भटिंडी का लड़का है, और IPL में फास्टेस्ट बॉल भी उमरान मलिक ने डाली है 157 की स्पीड से। तो बहुत ही ज़्यादा अपेक्षाएँ होंगी हमारे जम्मू कश्मीर को भी कि उमरान मलिक अच्छा करेंगे T20 सीरीज़ में। तो हम विश करते हैं उमरान मलिक को कि साउथ अफ्रीका सीरीज़ में वो अच्छा करें टीम के लिए, और इंडियन टीम को मैचेस जिताएं, और अपनी जो जगह है टीम में पक्की रखें। बाकी देश और दुनिया की